असलकुम कैसे हों बच्चों सब ठीक ठाक बच्चों कक्षा चार के लिए आज हम फिर से एक बार हिंदी के अंक पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि थोड़े बच्चों को अभी ये नहीं आया है इसलिए हम फिर से एक बार दौरा आ रहे हैं पेज नंबर सेवेंटी सिक्स पेज नंबर सेवेंटी सिक्स निकालिए बुक में और देखिए गिनती एक से चालीस तक गिनती आपको ये हिंदी की नोटबुक में भी लिखना है बच्चों ये है अंग्रेजी के अंक और ये है हिंदी के अंक और ये अक्षर में भी लिखा गया है ठीक है तो आपको क्या क्या लिखना है ये और ये और ये अक्षर वाले लिखना है जैसे कि एक हिंदी का अंक एक एक ए के एक, एक, एक दो दा, दा को की मात्रा दो तीन दाको छोटी बड़ी की मात्रा ना तीन इस तरह से आपको लिखना है तीन चार चार पांच पांच छ छः हिंदी का छ है ये छ सात सात आठ आठ नौ नौ दस दस है ना इस तरह से अब दस लिखे बाद एक लाइन माना है फिर ग्यारह यहाँ ही लिखना है बच्चों ठीक है दस बीस तीस चालीस ठीक है पचास तक लिखिए आप लोग तो. ग्यारह ग्यारह दो एक एक दाना है ग्यारह एक दो बारह एक तीन तेरह एक चार चौदह एक पाँच पंद्रह एक छः सोलह एक सात सत्रह एक आठ अठारह एक नौ उन्नीस दो शून्य बीस ठीक है इस तरह से बीस हो गया बीस उसके बाद देखिए इक्कीस दो एक इक्कीस दो दो बाईस दो तीन तेईस दो चार चौबीस दो पाँच पच्चीस दो छः छब्बीस दो सात सताईस सताईस देखिए हिंदी में कैसे पढ़ते हैं दो आठ अट्ठाईस दो नौ उनतीस ती, ती तीन शून्य तीस ठीक है इस तरह से तीस हो गया तीन एक इकतीस तीन दो बत्तीस तीन तीन तैंतीस तीन चार चौंतीस तीन पाँच पैंतीस तीन छः छत्तीस तीन सात सैंतीस ऊपर बिंदी डाली गई है की तीन आठ अड़तीस तीन नौ उनतालीस उनतालीस चार शून्य चालीस इस तरह से आपको पढ़ने हैं बच्चों फिर से एक बार देख लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस, बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस ठीक है इस तरह से आपको लिखना है बच्चों ये पूरे एक से चालीस तक फिर इकतालीस बयालीस तिरयालीस चौरालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास उनचास पचास वहाँ तक आपको लिखना है बच्चों अच्छे से सुंदर लिखावट में लिखिए ये हिंदी के अंक डालिए अक्षर और शब्द डालकर अच्छे से लिखिए बच्चों अपने नोटबुक में क्योंकि आपको परीक्षा में भी पूछा जाएगा और आपको बिना देखे ये याद रखना है आपको लाइफ लॉन्ग याद करना है ये ठीक है आपको ऐसा आपके दिमाग में बैठा लेना है ये यानी हिंदी का एक कैसा लिखते हैं हिंदी का दो कैसे लिखते हैं तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस भी आ गए आपको तो आपको पूरे सौ तक आ जाएंगे है ना बच्चों ठीक है अच्छे से प्रैक्टिस करिए और लिखिए जिसके पास भी नहीं है देखिए एक बार अच्छे से देखकर लिख लीजिए ठीक है।, है अपनी नोटबुक में धन्यवाद